हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग एक के बारे में, जिसमें संघ एवं राज्यों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में संक्षिप्त में पढ़ चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम भाग वन में अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ेंगे। अनुच्छेद एक के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी जो भारत देश बना है वह सभी राज्यों को एकजुट करके एक भारत देश का निर्माण होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यूनियन शब्द का सुझाव दिया, जिस शब्द से दो बातें स्पष्ट होती हैं। कौन कौन सी बातें स्पष्ट होती हैं? प्रथम, भारतीय संघ स्वतंत्र व संप्रभुता संपन्न राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है, और दूसरी, इकाइयों राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, और अम्बेडकर जी ने बताया भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारतीय संविधान की जो मेन बातें हैं, जो मूलभूत बातें हैं, जिससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा ने किया था, यानी जो कैबिनेट मिशन योजना एक चलाई गई, जिसमें संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें प्रारंभिक बैठक में जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थाई न कि स्थाई अस्थाई तौर पर जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। 21 जनवरी 1948 में संविधान का मसौदा प्रकाशित हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से स्वीकृत हो गया, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी जिस दिन भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित हैं, यानी जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 350 अनुच्छेद थे और उसे 22 भागों में बनकर तैयार हुआ था। इसके अलावा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां जोड़ी गईं।
संविधान संशोधन के कारण, इसमें बाद में जो संशोधन किया गया संविधान संशोधन के कारण आज संविधान में 22 भाग और 444 के लगभग अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की प्रस्तावना, हम आइए संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ लेते हैं। ये ज़्यादातर IAS और उसके अधिक परीक्षा में ऐसे इंटरव्यू वगैरह हैं उनमें यह ज़्यादातर प्रस्तावना के बारे में पूछ लेते हैं और कुछ क्वेश्चन इस संविधान की प्रस्तावना से बन जाते हैं। आइए एक बार पढ़ लेते हैं संविधान की प्रस्तावना क्या कहलाती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विकास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समानता यानी समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मत मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अत एव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम तथा आत्मर्पित करते हैं। यह संविधान सभा ने प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ा। संविधान की 42वीं संशोधन द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ साथ समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। इस संविधान संशोधन में 1976 में पारित किया और उसके प्रावधान 3 जनवरी 1977 से लागू हुए। संविधान सभा के में जो अध्यक्ष बैठे थे समिति में वो इस प्रकार थे। जो नियम तथा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। केंद्र संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। परामर्श दात्री समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। अनुच्छेद तीन में बताया गया है, जो भाग एक का अनुच्छेद तीन है, संसद विधि द्वारा नए राज्य बनाना तथा पहले मौजूद राज्यों की क्षेत्रों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी संसद ने अपनी विधि में बताया कि भारत में नए राज्य बना सकते हैं तथा मौजूद राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं में विकास कर सकते हैं।
परिवर्तन कर सकते हैं, संसद के अनुसार हो सकता है। दोस्तों हम इस वीडियो में आज यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपने वीडियो थोड़ा भी आपको ऐसा लगता है कि हमने इसमें मेहनत की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।